दिल्ली हिंसा की आग का असली जिम्मेदार कौन? दिल्ली को किसने बनाया दंगों की प्रयोगशाला? धर्म की आड़ में दंगों की साजिश क्यों? क्या है दिल्ली दंगों का अनसुना सच? नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हरीश असवाल। धर्म युद्ध की आग में दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका सुलग गया। ऐसा कौन सा हमला था जो दिल्ली के दंगाइयों ने नहीं किया? इस हमले में पेट्रोल बम से लेकर गोलियां तक चली, लेकिन दिल्ली पुलिस इसे संभालने में नाकामयाब रही। आखिर में हुआ यूं कि दिल्ली वासियों को योगी आदित्यनाथ की याद आ गई। यूपी में तो दंगाइयों को सपने में बुलडोजर दिखाई देने लगता है, दंगा किया तो घर पर बुलडोजर आ जाएगा। तो ऐसे में सवाल सरकारों से है, क्योंकि हर दंगे में समाज के कुछ खलनायक और समाज को खबरदार कर देने वाले जरूरी सबक छिपे होते हैं। जहांगीरपुरी दंगे में कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। जांच टीमें जुटी हैं, गहराई से जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम जहांगीरपुरी की गली गली में जाकर खोज कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि जांच टीमों को अब तक कौन सा सबूत मिले? हिंसा के खौफनाक प्लान के बारे में क्या पता चला? शुरुआती जांच की सुई किसकी तरफ घूम रही है? क्या जहांगीरपुरी दंगे के कोई बांग्लादेशी कनेक्शन है? क्या अशांति फैलाने में रोहिंग्या और पीएफआई जैसी बाहरी तत्वों का हाथ है? जहांगीरपुरी दंगे का मास्टरमाइंड कौन? इतनी बड़ी मात्रा में पत्थर, बोतल और बाकी हथियार कहां से आए? आखिर ऐसी कौन सी चूक हो गई दिल्ली पुलिस से जो धर्म की लड़ाई धर्म युद्ध में बदल गई? क्योंकि यूपी में 800 धर्म यात्राएं निकाली गई, लेकिन एक भी दंगा कहीं देखने को नहीं मिला। क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों की कमर ही तोड़ दी है। ऐसे में सवाल दिल्ली पुलिस पर भी है, अगर दिल्ली में धर्म यात्रा निकाली थी तो पहले से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? आपका खुफिया विभाग कहां सोया हुआ था, जिसके चलते रामनवमी पर कई राज्यों में हुए बवाल की आग दिल्ली तक पहुंच गई? दरअसल हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में निकाली जा रही शोभा यात्रा में कुछ शरारती तत्वों ने पथराव कर दिया। इसके बाद हालत बिगड़ गई। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आकर पथराव करने लगे। छतों पर शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों पर पथराव किया गया। उपद्रवियों ने सड़क पर खड़े वाहनों व पुलिस की कुछ गाड़ियों पर तोड़फोड़ की और आगजनी भी कर दी। सूचना मिलने पर आसपास जिलों की पुलिस बल मौके पर बुलाई गई। हल्का फुल्का लाठी प्रयोग किया गया और भीड़ को खदेड़ दिया गया। नॉर्थ वेस्ट जिले का जहांगीरपुरी इलाका बेहद संवेदनशील मिश्रित आबादी वाला माना जाता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, जो अलग अलग मध्य वर्गों से आते हैं। बीच बीच में जुगिया बस्तियां भी हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान सी ब्लॉक से जहां बवाल हुआ, वहां ज्यादातर संख्या में बांग्लादेशी रहते हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि हालांकि जब इतना संवेदनशील इलाका था तो पुलिस ने इस धर्म यात्रा के दौरान इतनी ढील क्यों रखी? माना तो यह भी जा रहा है कि पुलिस को उपद्रव के होने की आशंका थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे में दिल्ली पुलिस की खुफिया विभाग यानी स्पेशल ब्रांच की असफलता साफ साफ झलक रही है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में प्रवासियों की पूरी एक दुनिया बसती है। संकरी गलियां, कच्चे पक्के मकान और अलग अलग राज्यों से आकर बसे लोगों की भीड़। वक्त के साथ भले ही दिल्ली बदल गई हो, लेकिन जहांगीरपुरी की तस्वीर नहीं बदली साहब। ये इलाका कई बुनियादी सुविधाओं से अभाव में आज भी जी रहा है, और अब जहांगीरपुरी से सांप्रदायिक हिंसा का एक नया अध्याय भी जुड़ गया। ये दंगे दिल्ली ने पहली बार नहीं देखे। फरवरी 2020 में भी उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीए के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा हुई थी। हालत इस कदर बिगड़ चुके थे कि कुछ लोग डर के कारण अपने आशियाना ही छोड़ चुके थे। जब दिल्ली धीरे धीरे वापस दंगों को भूलकर आगे बढ़ रही थी, तो फिर से एक और दंगा। दंगों से कुछ नहीं मिलता साहब। तो आज बस भारत एट नाइन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे
किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।